अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 अगस्त 2020 की। बड़ी अपडेट में बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले DLED छात्रों को मिल सकती है आज बड़ी खुशखबरी। क्या है दोस्तों पूरा मामला, देखिए। फाइनल ईयर एग्जाम UGC दिशा निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है अपना फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी आज, और हो सकता है दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। उसके बाद देखिए, आप में दोस्तों जो डाउट चल रहे हैं ना आज की डेट में DLED में कि पेपर होगा या प्रमोट होंगे, वो दोस्तों आपका क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों कन्फ्यूजन आज खत्म हो सकती है, या तो परीक्षा होगी या तो प्रमोट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पहले अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज दोस्तों जो फैसला आने वाला है वो बहुत ही जरूरी होगा आप सभी छात्रों के लिए। हमने कमेंट बॉक्स में दोस्तों नीचे फिलहाल लिंक दे दिया है, अगर दोस्तों फैसला आ चुका होगा तो आप उसको चेक, मतलब लिंक को ओपन करके देख सकते हैं कि आखिर क्या फैसला आया फाइनल ईयर एग्जाम्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सिंपल सी बात है, लाखों छात्रों पर ही अप्लाई होगा जो छात्र मतलब फाइनल ईयर में है। उसके बाद देखिए DLED में क्या फायदा होगा ना, यहाँ दोस्तों कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा छात्रों में कि अब सरकार क्या करेगी, ठीक है। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। DLED प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 और नीट JEE परीक्षा टालने को छात्रों के साथ आए सियासी दल। देखिए दोस्तों, जब बड़ी परीक्षाएं होती है ना तो विपक्षी दल साथ में खड़े हो जाते हैं, जैसे नीट का पेपर JEE, लेकिन दोस्तों DLED के पेपर को मतलब नहीं होता है कि यहाँ पर दोस्तों प्रमोट करने को लेकर कोई भी सियासी दल साथ नहीं खड़ा हुआ, नहीं तो हो सकता था दोस्तों अब तक DLED में भी कुछ बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिल जाती है। कुल मिला के दोस्तों इससे होता क्या है ना, सियासी दल साथ आने से चलिए ठीक है कि इनका अगर परीक्षा नहीं टाला जाएगा तो कम से कम लाखों छात्रों का जो वोट बैंक होगा ना वो विपक्षी दल की तरफ जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए सिंपल सी बात होती है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कौन खड़ा है आप उन्हीं को तो याद रखेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि ठीक है आज आपका बुरा वक्त है कि आप चाहते हैं कि हमें प्रमोट किया जाए उसके बाद सरकार आपकी बात ना सुने, तो सिंपल सी बात है दोस्तों अगला वोट बैंक चेंज हो सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं एक और अपडेट, UP पॉलिटेक्निक को लेकर आई। 18 सितंबर से होंगी अंतिम वर्ष छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा, ठीक है दोस्तों ये फिलहाल डेट आ चुकी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर अभी बदलाव संभव है। अगर अभी तक आपने लाइक वाले बटन पर क्लिक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक भी दोस्तों कर दीजिएगा, क्योंकि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। अपडेट्स का इसको देखते हैं। फाइनल ईयर एग्जाम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी या नहीं, यह बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। उम्मीद है कि आज 24 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अपना फैसला सुना देगा। इससे पहले 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सभी पक्षों को अंतिम दलीलें लिखित में पेश करने के लिए 3 दिन का और वक्त दिया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि परीक्षाएं रद्द होने की संभावनाएं कम है। देखिए अपडेट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से JEE और नीट परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग वाली याचिका हाल में ही खारिज कर दी थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी रद्द नहीं होंगी। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जो ये फैसला आया था JEE और नीट पेपर को लेकर ना, उसमें सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया, ना कि दोस्तों उस याचिका को रद्द जरूर किया गया, लेकिन अंतिम डिसीजन सरकार के पास पावर दे दी गई, जो सरकार चाहे वो कर सकती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, सरकार स्टूडेंट नहीं मिलकर बनाई है, ऐसा तो है नहीं लाखों बच्चे ने वोट तो किया ही होगा, ये थोड़ी नहीं किसी ने वोट नहीं किया। उसके बाद देखिए, UGC ने 6 जुलाई को जारी की थी संशोधित गाइडलाइंस। आपको बता दें कि UGC ने 6 जुलाई को संशोधित गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें सितंबर अंत तक सभी कॉलेजों विश्वविद्यालयों की स्नातक व परस्नातक मतलब फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य बताया गया था। UGC की इसी गाइडलाइंस को देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, छात्रों को कोर्ट से बहुत उम्मीद होती है, आपको भी उम्मीद होगी कि आपके हक में फैसला आएगा। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों, कोर्ट वर्सेस सीधे तौर पर UGC है, और UGC मतलब हम कह सकते हैं गवर्नमेंट है, तो अब देखने वाली बात होगी कि जो कोर्ट का फैसला आएगा वो सरकार के पक्ष में आएगा कि स्टूडेंट के, ठीक है। आगे अपडेट्स देखिए, कोरोना संक्रमण के डर से परीक्षाएं रद्द करने की मांग। UGC द्वारा फाइनल ईयर की परीक्षाएं अनिवार्य करने वाले दिशा निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर छात्रों की ओर से कहा गया है कि देश भर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में परीक्षाएं कराने से छात्रों के स्वास्थ्य जीवन को खतरे में डालना होगा, अतः UGC के गाइडलाइंस को रद्द कर
बिना परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया जाए। खासकर दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर लेकर मतलब अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं। इन सरकारों ने दलील दी है कि ऐसे हालात में परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिलहाल कम से कम UGC गाइडलाइन के खिलाफ जाकर एक अपील तो सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। तो कुल मिला के दोस्तों हमारी UP गवर्नमेंट यहाँ नहीं गई है। तो उम्मीद करते थे दोस्तों UP गवर्नमेंट भी जाती तो हो सकता था कि उत्तर प्रदेश के छात्रों का भी भविष्य उज्ज्वल होता है, बिना पेपर के आप लोग भी प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो पूरे देश के लिए मान्य होगा, ऐसा नहीं है कि दोस्तों वो यूपी के लिए मान्य नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के होता ना कि आपकी गवर्नमेंट आपके साथ कितना खड़ी है, इसको आपको भी तो देखना होता ना कि आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत से छात्र होते हैं जो वोट करके बोलते हैं ना ये मेरी सरकार है, ये मेरी सरकार है, तो आज आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है, ये सवाल भी दोस्तों खड़ा होता है। फिलहाल आपको बता दें फिर से दोस्तों, 24 घंटे में दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज हमारे देश में मिले हैं। 24 घंटे में 261,000 से अधिक कोरोना वायरस मतलब संक्रमण की पुष्टि होती है हमारे देश में। मामला 31 लाख को पार हो चुका है, 846 लोगों की जान गई है, 57,000 से अधिक लोगों की मतलब दोस्तों अब तक जान जा चुकी है कोरोना वायरस के कारण। ये दोस्तों आपके सामने पूरा डेटा है। इंडिया दोस्तों जिस हिसाब से यहाँ पर हमारे देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि दोस्तों जल्दी हम लोग सेकेंड पोजिशन हासिल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों USA एक दिन में 32,000 मामले सामने आए और इंडिया में 61,000 से अधिक, तो लगभग दोस्तों डबल के करीब है मामले इंडिया में सामने आ रहे हैं। तो जल्दी दोस्तों हो सकता है कि हम USA को भी ओवरटेक करके नंबर वन पोजीशन पर पहुंच जाएं कोरोना वायरस में, जो कि काफ़ी खतरनाक होगा। अब आप दोस्तों बात करेंगे रसिया की, देखिए यहाँ पर कोरोना वायरस लगभग रुक सा रहा है। पूरी दुनिया में दोस्तों कोरोना वायरस की देखिए रोकथाम हो रही है, सिर्फ इंडिया एक ऐसा देश हम कह सकते हैं जहाँ कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। बात करें दोस्तों पाकिस्तान जैसे देशों में कोरोना वायरस लगभग सा रुक गया है, 24 घंटे में 591 नए केस और 4 लोगों की जान गई। हमारे देश में दोस्तों 846 लोगों की जान गई। तो आपके ऊपर दोस्तों सब कुछ है, आपके सामने डेटा है, ये हमने बनाया कि ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है जो आपके सामने रखा जा रहा है। ये सब दोस्तों हो रहा है पूरी दुनिया में, और दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे कोरोना वायरस के हम आपको पहुँचाते रहेंगे आप तक। और फिलहाल दोस्तों आज उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उससे लाखों छात्रों का भविष्य तय हो जाएगा कि फाइनल ईयर का पेपर होगा, प्रमोट होंगे, DLED में क्या होगा, BED में क्या होगा, हर जगह दोस्तों क्या क्या होगा, सब कुछ आपको क्लियर होगा। देखिए अभी दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा पीछे हो रहे हैं, स्पेशली बात करें DLED 2019 बैच। आप देखिए दोस्तों इन छात्रों से हो सकता है कि इसी महीने या सितंबर स्टार्टिंग में आपसे कॉलेज में फीस के लिए दोस्तों प्रेशर किया जाए, मतलब मांगा जाए, फीस के लिए दोस्तों डिमांड्स होने लगेंगी, तो आप क्या करेंगे? आपके मन में एक ही सवाल आएगा ना यार, हम पेपर दिए नहीं, अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं, कहाँ से पैसा दें? पता चले दोस्तों हम फेल हो जाए या आपका करने का मन आगे ना हो, सोचें छोड़ो अब क्या करें, कोई मतलब नहीं है, कुछ और आप सोच रहे हो, तो वो पैसा बर्बाद हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों PNP को चाहिए कि जल्द से जल्द मतलब अपना स्टैंड क्लियर करें, या तो दोस्तों पेपर ही करा लिया जाए या तो प्रमोट ही कर दिया जाए। चलिए ठीक है, आज हो सकता है कि काफ़ी हद तक सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों कुछ ऐसा फैसला आता है कि नहीं फाइनल ईयर का पेपर होगा ही होगा, तो फिर दोस्तों DLED छात्रों को भी अब तैयार हो जाना पड़ेगा, फिर कोई मतलब गुंजाइश उसके बाद नहीं बचेगी आपको मतलब प्रमोट होंगे या नहीं, वो बात खत्म हो जाएगी वहीं पर। तो आज दोस्तों हो सकता है कि आज निर्णायक दिन हो सकता है, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट आप लोग करिएगा, जैसे दोस्तों फैसला आएगा हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, और हो सकता है दोस्तों फैसला जल्दी सुना दिया जाए, नहीं तो कभी कभी शाम तक भी फैसला आता है, तो वो तो ऑर्डर है ना, जब भी जारी किया जाए। ठीक है, तो वैसे दोस्तों न्यूज़ चैनल पर भी आ जाएगा, आप लोग तो TV देख ही रहे होंगे, बाकी अपडेट्स हम आपको YouTube के माध्यम से दे देंगे। ठीक है, चैनल बने हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, तो जो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन है उसको सब्सक्राइब पर क्लिक करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिलहाल दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी दोस्तों ये बात कम से कम कन्फर्म हो जाए दोस्तों कि आज आपका फैसला आ रहा है कि नहीं। तो सभी छात्र देखिए आज की डेट में पता है क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज्ड हैं, परेशान हैं कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हर जगह दोस्तों परीक्षा की नई तारीख आ जा रही है, और कम से कम दोस्तों प्रमोट भी किया जा रहा है, लेकिन DLED में क्या हो रहा है, ना तो पेपर की नई तारीख आ रही है ना प्रमोट किया जा रहा है। एक बात और आपको क्लियर करें, जहाँ पर दोस्तों पेपर हो रहे हैं आपने एक बात नोटिस की है या नहीं, वहाँ दोस्तों सिर्फ फाइनल ईयर का ही पेपर भी बात हो रही है। ठीक है, फाइनल ईयर के अलावा सब जगह तो सबको प्रमोट कर दिया गया है, तो फाइनल ईयर का पेपर हो रहा है और बाकी दोस्तों क्या हो रहा है, एडमिशन का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। अब कॉलेज वालों को पैसा भी कमाना है तो एडमिशन तो कराएंगे ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही कॉलेजेस में और कुछ हो नहीं रहा है,
तो फिलहाल दोस्तों जो मिड वाले हैं बच्चे, जैसे हो गए आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, इनके पेपर दोस्तों अभी कहीं पर नहीं हो रहे, तो आप लोग को भी इंतजार करना पड़ सकता है। पेपर अभी वही हो रहा है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो डीएलएड का दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर जरूरी जरूर है, लेकिन सरकार की नज़र में या एसएम गैस उतना जरूरी नहीं होगा जितना फाइनल ईयर है, क्योंकि दोस्तों उनका पेपर होके वो उनको आगे का कुछ कोर्स करना है या कुछ और करना है तो आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे के भी सेकेंड में ही पहुँचेंगे, सेकेंड का दे के थर्ड में ही पहुँचेंगे, तो वो एक अलग मैटर होगा हमारा। तो यहाँ अभी आपका समय और लग सकता है, ठीक है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। बाकी फिर से हम वही कहेंगे, सब कुछ यहाँ गवर्नमेंट पर है। गवर्नमेंट दोस्तों कल चाहेगी तो कल से आपका पेपर शुरू हो जाएगा, परसों से चाहेगी तो परसों से हो जाएगा, और आपको तैयार रहना होगा। एक बात और आपको बता दें, आप सोचेंगे कोरोना वायरस इतना बढ़ रहा है उससे क्या होगा, देखिए दोस्तों 61,000 मामले हम जरूर आपको बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों यूपी में दो बड़े पेपर हो चुके हैं, जैसा कि आपको पता है कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी हो गया, बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा भी हो गई। बीईओ में दोस्तों तकरीबन 3 लाख छात्रों ने पेपर छोड़ दिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा पेपर दे या ना दे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको पेपर देना है या नहीं। और बीएड में भी दोस्तों 50,000 से अधिक छात्रों ने पेपर छोड़ा, रीजन वही हो सकता है कि वो सेंटर तक पहुंच नहीं पाए हो किसी कारणवश, जिससे उनका पेपर छूटा। बाकी कोरोना वायरस घर वाले भी टेंशन में रहते हैं ना। आज की डेट में आपको बता दें, दो तरह के लोग घूम रहे हैं मार्केट में, एक तो दोस्तों वो है जो कोरोना वायरस को बहुत ही ज़्यादा मान रहे हैं कि नहीं यार कुछ है कोरोना वायरस, दूसरे वो हैं जो कि कोरोना वायरस को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। और दोस्तों ये दोनों लोग एक दूसरे को मूर्ख समझ रहे हैं। आपने देखा होगा वैसे व्हाट्सएप पर स्टेटस और ये सब मैसेजेस आए होंगे आप तक, तो ये सब सही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना भगवान भरोसे बैठे हैं कि ठीक है जो होगा जो लिखा होगा मतलब किस्मत में वो होकर रहेगा, ऐसा नहीं दोस्तों। अगर आप ऐसे डीएलएड में भी बैठ जाए ना कि जो किस्मत में लिखा होगा होकर रहेगा, पढ़ाई आप ना करें तो क्या आप पास हो जाएंगे? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। फिलहाल मिलते हैं शाम को आज की वीडियो में, जरूरी वीडियोस होगी। अगर आप दोस्तों आ जाता सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अच्छी बात, उम्मीद दोस्तों आज ही की है, नहीं आता तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो मिलेंगे शाम को दोस्तों, और सब कुछ क्लियर होगा, आपकी परीक्षा की नई तारीख भी क्लियर हो जाएगी, प्रमोट होंगे या नहीं सब कुछ क्लियर होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।